नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 9 और 10 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग का ताज़ा पूर्वानुमान। मौसम में उतार चढ़ाव जारी, उत्तराखंड और हरियाणा सहित इन राज्यों में आज बारिश के आसार। भारतीय मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने बताया कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश के भी आसार हैं। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश सहित कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। तेजी से बदल रहे मौसम के चलते देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिन उत्तराखंड में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल सुबह शाम की हल्की ठंड तो महसूस की जा रही है। वहीं हरियाणा में दो दिन बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में कई हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। यहाँ पर मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने लगा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में 9 अप्रैल को बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भी तेजी से मौसम में बदलाव होगा। दिल्ली में आंधी आ सकती है। इसी के साथ दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के एनसीआर के जिले धूल भरी आंधी के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण में केरल, तमिलनाडु के तटीय भागों, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कानपुर में कुछ दिन हवाओं में रहेगी हल्की ठंडक, गर्मी से मिल सकती है लोगों को राहत। कानपुर की फिजाओं में हो रहा ठंडक का एहसास। उत्तर पश्चिमी हवा मैदानी क्षेत्र की ओर आनी शुरू हो गई है, जिससे गर्मी में ये तेज हवाएं कुछ दिन राहत दे सकती हैं। बंगाल की खाड़ी पर भी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो गया है, जिससे फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी की कम उम्मीद है। कानपुर शहर में बीते कुछ दिनों पहले राजस्थान में बने चक्रवात से आने वाली हवाओं से मौसम में आई गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी हवाओं से हल्की ठंडक का एहसास होगा और न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। कानपुर शहर में भी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है और सुबह के समय मौसम खुशगवार रहने लगा है। फिलहाल यह स्थिति कुछ दिनों तक ही रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी, उमस और बढ़े हुए तापमान के बीच उत्तर पश्चिमी हवा राहत लेकर आई है। कुछ दिन तापमान में बेहद हल्की सी ठंडक रहेगी। तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कम है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो गया है, या बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवा को मैदानी राज्यों की ओर ला रही है। राजस्थान के पास बना विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है, जिससे हीट वेव बनना बंद हो गया है। गुजरात और राजस्थान की गर्म हवा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की ओर आना रुक गई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वातावरण में नमी का स्तर फिर से बढ़ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्का उतार चढ़ाव होता रहेगा। हवा सामान्य से तेज चलेगी। मौसम विभाग ने दिए संकेत, बदल सकती है मौसम की फिजा। उमस भरी गर्मी और झुलसाने वाली धूप झेल रहे शहर वालों को आज मौसम बदलने से थोड़ी राहत मिलने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दे दिए हैं। विभाग से जारी अपडेट के अनुसार 8 से 10 अप्रैल तक उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने के साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। इससे राज्य में एक दो दिनों के अंदर 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हालांकि इससे रात के तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम में बदलाव की संभावना को लेकर बताया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। इसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक बादलों की श्रृंखला बन गई है।
उन बादलों की आवाजाही से मौसम करवट ले सकता है। वहीं प्रयागराज में अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में आंधी के आसार, अभी और बढ़ेगी गर्मी। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में बादलों की वापसी हो सकती है, गर्मी में निरंतर तेजी देखने को मिलेगी। जबकि आगरा में सुबह से ही सूरज की किरणें तेज, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर में तेज धूप निकलने के साथ ही लू चलेगी, शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं गोरखपुर में 37 डिग्री हुआ तापमान, वातावरण में बनी रहेगी नमी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि गुरुवार को सुबह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ चलेगी, इससे तापमान में वृद्धि के आसार हैं। जबकि वाराणसी में न्यूनतम तापमान ने भी लगाई छलांग, रातें हो चली और भी गर्म। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े में लू का भी एहसास होने लगेगा, मौसम का यही तल्खी भरा रुख और बढ़ता जाएगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।